हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वही प्रोसीजर यूज करके हम लोगों को इस चैप्टर में विभाजन एल्गोरिदम सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 2 सेशन 7। इससे पहले हम एक बहुपद को दूसरे रैखिक बहुपद द्वारा विभाजित करते थे। उदाहरण, फुट डालो 2x² + 3x + 1 द्वारा x + 2। हमें इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है, यानी ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। अभी इसे कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। x + 2, इससे हमें किसे डिवाइड करना है, 2x² + 3x + 1। पहला नंबर इस यहाँ पे कौन सा है, 2x², यहाँ पे कौन सा नंबर है, x। यहाँ पे 2x² आने के लिए हम लोगों को x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से। अगर मैं इस नंबर को 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2x × x = 2x², सेंटर साइन प्लस 2x × 2 = 4x। ठीक है, उसके बाद हमें साइन चेंज करने होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे न्यू साइन माइनस आएगा। ये हो गए हमारे न्यू साइन। ये न्यू साइन देख के हम लोगों को प्रोसीजर करना है। 2x² - 2x² कैंसिल, +3x and -4x = -x + 1। अभी यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो माइनस एक्स आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, एक्स, लेकिन प्लस है, तो यहाँ पे माइनस एक्स आने के लिए हमें इस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। और देखिए यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लोगों को कोई और एक्स नहीं लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 1। 1 - 1 × x = -x, -1 × +2 = -2। अभी न्यू साइन कौन से होंगे, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, अभी ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे +1 + 2 = 3। ये हो गया हमारा फाइनल डिविजन। यहाँ पे अगर हम लोग इसे अल्गोरिदम प्रमेय का में लिखेंगे, ओके, तो कैसे आएगा, क्या है हमारा प्रमेय, भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल। देखिए स्टूडेंट, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये हमें हर किसी एग्जाम्पल में या फिर हर किसी चैप्टर में आ सकता है। अगर आपको पहले से पता है तो इसे सीखने के लिए फिर से आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए फिर भाज्य यहाँ पे क्या है, 2x² + 3x + 1 = भाजक x + 2, भागफल यानी क्वेश्चन यानी आंसर 2x - 1 एंड शेषफल यानी रिमाइंडर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अन्य द्विघात बहुपद द्वारा एक बहुपद का विभाजन। कदम, बहुपद को मानक रूप में लिखे, लंबी विभाजन विधि जारी कर रखे। उदाहरण, फुट डालो 3x³ + x² + 2x + 5 द्वारा 1 + 2x + x². यहाँ पे जो बहुपद है x² वो लास्ट में है, ये भी और ये फर्स्ट है। हमें क्या करना है, इसके जगह चेंज करने है। देखेंगे और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है।
3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 3x³ + x² + 2x + 5 इसे हमें किससे डिवाइड करना है? वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सो अभी हमें इसे डिवाइड करना है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट इसे लिखेंगे अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, 3x³ + x² + 2x + 5। यानी हमेशा समीकरण कैसे लिखना है, बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात और कांस्टेंट। नेक्स्ट सो x स्क्वायर को 3x³ लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x। सो 3x × x² 3x³, 3x × 2x 3 × 2 = 6, xx, x² 3x³ + 6x² सो न्यू साइन क्या आएंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, माइनस 6x² प्लस 5x² माइनस 5x² प्लस 2x। नेक्स्ट अभी यहाँ पे माइनस साइन है, सो हमें यहाँ पे जो नंबर चाहिए वो माइनस चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस। सो माइनस 5x² आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5, सो माइनस 5 × x² माइनस 5x², 5 माइनस 5 × 2x इज माइनस 10x, न्यू साइन प्लस प्लस कैंसल, देन प्लस 10 और 2 प्लस 12x एंड रिमाइंडर प्लस 5। सो नेक्स्ट 12x प्लस 5, ये नंबर यहां पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12x यहां पे x स्क्वायर है, सो हमें यहां पे लाना है सिर्फ x। सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सो 12 देखिए यहां पे 12 upon x × x² क्या आएगा, x 12x। सो इसीलिए 12x। सेकेंड नंबर के लिए 12 upon x × 2x, x गेट कैंसल एंड 12 × 2 = 24, सो प्लस 24। सो देन न्यू साइन माइनस माइनस कैंसल, माइनस 24 प्लस 5 माइनस 19। सो यहां पे जो भी इक्वेशन आ रहा है, जो भी आंसर है, वो क्या है, 3x माइनस 5 प्लस 12 upon x, ये क्या हो गया, भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक। अब यहां पे देखिए ये इक्वेशन या फिर ये जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है, आप यहां तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा शेषफल नंबर में या फिर कांस्टेंट नंबर में ही आए। सो अगर आप यहां तक ही अगर सॉल्व कर रहे हो तो शेषफल क्या आएगा, 12x + 5। सो यहां तक भी करोगे तो आंसर राइट है। सो देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य इनटू भागफल प्लस शेषफल। सो देखिए यहां पे मैंने सिर्फ 3x
माइनस फाइव तक ही लिखा है, यानी आप लोग यही तक भी कर सकते हैं, वो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को नॉलेज आने के लिए आगे सॉल्व किया था, आपको करने की जरूरत नहीं है। सो भाज्य इज इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। निष्कर्ष निकालने के लिए यदि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो साथ कोई दो बहुपद है तो हम पा सकते हैं बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ऐसा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यानी क्या, वही है जो हम लोगों ने इससे पहले लिखा था, जैसे कि यह है भाज्य, यह है भाजक, भागफल और यह है शेषफल। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम ही है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू प्लस इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहां आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो या आर ऑफ एक्स की डिग्री स्मॉलर देन जी ऑफ एक्स की डिग्री हो, इस परिणाम को बहुपद के लिए डिविजन एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हम लोगों ने पढ़ा कि विभाजन एल्गोरिदम यूज करके हम लोगों को डिवीजन कैसे करना है और वो डिवीजन करने के बाद इसे हम उसे हम लोग समीकरण में कैसे लिखेंगे, और एक एक्स्ट्रा कि उसके लिए हम लोग पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स कैसे ले रहे। थैंक यू।